एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसाई एकेडमी, दिस इज हिमांशु। जी हाँ, फार्मासिस्ट की 13 वैकेंसी, 33,000 कुछ सैलरी है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और नेक्स्ट बात करेंगे, जी हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, एम्स रायपुर 27 फार्मासिस्ट का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन फॉर वैकेंसी पे आपको जाना है। पहला ही एडवर्टीजमेंट जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड CBT। मतलब कि फार्मासिस्ट का जो एग्जामिनेशन था, हम सभी जानते हैं सुबह 7:30 बजे, है ना, 4 तारीख को सुबह 7:30 बजे शेड्यूल है। तो जो भी स्टूडेंट है ना, जिस आपको अपना डाउनलोड नोटिस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एग्जिस्टिंग यूजर में आपके जाके, मतलब जो आपका पासवर्ड वगैरह है वो आप डालेंगे, तो पहला ही नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। इजी वे में डाउनलोड एडमिट कार्ड हो जाएगा। लोकेशन आप देख लेना एग्जामिनेशन सेंटर की, कैसे पहुंचना है पहुंच जाना, क्योंकि सुबह जल्दी एग्जामिनेशन है। और आप सभी जानते हैं आजकल बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि गेट क्लोज हो जाता है, उसके बाद में किसी की एंट्री नहीं होती, और एग्जामिनेशन सुबह जल्दी है, तो आप समय पे पहुंचने की कोशिश पूरी पूरी करें। अब यहाँ पे एक और लिंक दे रखी है, देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं, काफी हालांकि जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी काफी सारे स्टूडेंट CBT एग्जामिनेशन मतलब कंप्यूटर पे नहीं दे रखे हैं, तो एक बार आप लोग जो है यहाँ पे ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस का एक बार जो एक्सपीरियंस लेके फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन देने के लिए जा सकते हैं। जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था, देखिए कल हमने जो बात की थी कि भाई एम्स पटना में कैसे एग्जामिनेशन हुआ, कैसे क्वेश्चन पेपर आए, एम्स रायपुर का पेपर जो है किस हिसाब से एम्स पटना से डिफरेंट होने वाला है, ये सारी स्ट्रेटजी की हमने बात की थी। और कल ही वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि हो सकता है 25 तारीख को एडमिट कार्ड नहीं आया, बट 26 तारीख तक डेफिनेटली एडमिट कार्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिंक जो है वो देख पा रहे हैं, ठीक है जी। अब बात आती है सर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्या कुछ वैकेंसी है। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की 13 वैकेंसी है, 33,800 सैलरी है, 18 से 40 साल एज लिमिट है, 10वीं 12वीं यानी कि डी फार्मा बी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की तरफ से ये वैकेंसी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में राजस्थान में जो UTP की बंपर वैकेंसी यानी कि अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे 500 प्लस पोस्टें चल रही है, 33,800 रुपए सैलरी है डीफार्म फ्रेशर बीफार्म कैंडिडेट के लिए। कैसे कुछ अप्लाई करना रहेगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिन जिन में ऑफलाइन है वो ऑफलाइन मैंने आपको लिख लिया है, जिन जिन में ऑनलाइन लिंक है, तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म खुल जाएगा। जैसे जैसे वैकेंसी आ रही वैसे वैसे मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। फार्मासिस्ट की 13 पोस्ट, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये गूगल फॉर्म जो है वो आपके सामने खुला हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे आपको फार्मासिस्ट सेलेक्ट करके ये जो है अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन ओपन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगी, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, और कौन कौन सी फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए फार्मा जॉब, फार्मा नोट्स, फार्मा एग्जाम पेपर सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे। और रिसेंटली जो है आपकी 24 OSS में कल से शुरू होने वाला है, 28 तारीख से UP में फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसी चल रही है। आपका यहाँ पे चल रही है, जी हाँ, RMC में, राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और एयरफोर्स में जो आपकी रैली होने वाली है 17, 18, 19 सितंबर को, है ना, तो यहाँ पे भी आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। और ये सारी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून।